तो ये अंडा दोस्तों ख़राब है इस टाइम ना, ये ख़राब हो चुका है अंडा, इसके अंदर जो जर्दी है वो ख़राब हो गई है। और नेक्स्ट अब इसको अंदर से देख लेते हैं कि इसने अंदर क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को कॉकटेल के भी हम लोगों ने बॉक्सेज लगाने हैं दोस्तों, अभी वो बॉक्सेज भी लगाएंगे। आपको तो पता है दोस्तों काफ़ी देर के बाद वीडियो आ रही है, कुछ टाइम नहीं होता दोस्तों, मैं भी जॉब करता हूँ और आपको पता है सर्दियों के दिन भी छोटे हो गए हैं तो वीडियो के दौरान टाइम ही नहीं मिलता, जब आते हैं तब रात पड़ गई होती है। तो अभी क्या करते हैं कि आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाते हैं, कुछ ख़ास प्रोग्रेस नहीं होगी क्योंकि इतना टाइम भी मैं नहीं दे पा रहा इसके अंदर, मैं तो होता हूँ जॉब पे तो छोटा भाई है वही इनको संभाल रहा, तो आज मैंने खुद भी नहीं देखा हुआ, आज संडे थी तो मैं कहा चलें संडे को खुद भी देखते हैं और एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों के लिए बना के रखते हैं। तो चार ही पेयर हैं दोस्तों जो हम लोगों ने ब्रीडिंग के लिए, चार भी नहीं तीन ही पेयर हैं और बाकी कुछ फीमेल्स हैं। और कॉकटेल के आपको बताया हमारे पास दो ही पेयर हैं, तो उनके बॉक्सेस हम लोगों ने लगाते लगाते, अब तो सीज़न का भी मिड हो गया दोस्तों, हम लोगों ने नहीं लगाया तो अभी उनके बॉक्सेस भी लगाने हैं, साथ ही साथ फिंचेस हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और एक और हम लोगों ने अपने सेटअप के अंदर एक और नया बर्ड ऐड किया था वो भी आपको दिखाते हैं। और जो नेक्स्ट होगी वो हम आप लोगों को अपनी जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, काफ़ी उसके अंदर भी चेंजिंग आई हुई है। तो अभी आ जाएं जी दोस्तों अंदर की तरफ, तो हम लोग अंदर आप लोगों को दिखाएँ। सबसे पहले इस साइड पे दोस्तों लाइट नहीं है तो इसी तरह का कुछ ये सिस्टम चलेगा। तो ये हमारा आ गया कुछ पेयर ऑस्ट्रेलियंस के आगे, ये अंडा मेरा ख्याल है इन्होंने बाहर फेंक दिया, इसको भी देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। और नेक्स्ट ये देखें दोस्तों हमारी ये फिंचिस आ गई, ये दो ही रह गई हैं दोस्तों, बाकी सारी एक्सपायर हो गई हैं। उसके बाद ये हमारा कॉकटेल का सेटअप आ गया, ये एक पेयर आपको तो पता ही है हमारा पुराना वाला पेयर, और दूसरे नंबर पे ये इनो का, ये भी पेयर लग चुका है और ये भी लग चुका है, दोनों पेयर लगे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर से क्या ब्रीडिंग आएगी नेक्स्ट, जब बॉक्सेस लगाएंगे तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ से। तो ये हमारा आपको तो पता है रेनबो वर्किंग का मेल है, इसके साथ साथ जो है वो एक हम लोगों ने फीमेल लगाई हुई है वो है होगोरोमो स्प्लिट है और डबल राउंड क्लस के अंदर वो फीमेल है। तो अभी अंदर देखते हैं, तो अंदर अंदर तो बैठे हुए हैं, तो अंडा पता नहीं दिया या नहीं, मैं एक मिनट देखता हूँ। अंडा दोस्तों भी कोई भी नहीं है, बट ये है कि फीमेल जो है वो एग लेइंग के ऊपर आई हुई है, मैंने उसको देखा था आज सुबह, तो एक दो दिन में उम्मीद है कि अंडे दे देगी। इसकी भी फर्स्ट ब्रीड थी दोस्तों, इसने फर्स्ट ब्रीड जो की थी वो ख़राब थी। तो अब नेक्स्ट जो ब्रीड आएगी उसमें देखेंगे कि इसका क्या निकलता है प्रोग्रेस। इसकी भी ये फर्स्ट ब्रीड थी जो इसने नीचे अंडा फेंक दिया, तो अभी इसको भी देखते हैं, इसके तीन अंडे थे, एक तो अंडा इसने ये फेंका हुआ है, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये अंडा दोस्तों ख़राब है इस टाइम ना, ये ख़राब हो चुका है अंडा, इसके अंदर जो जर्दी है वो ख़राब हो गई है। और नेक्स्ट अब इसको अंदर से देख लेते हैं कि इसने अंदर क्या काम किया है। तो दो अंडे पड़े हुए हैं और तीसरा एक बच्चा मरा पड़ा है अंदर, ये देखें अभी आपको नज़र आएगा, वो आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है, वो बच्चा मरा हुआ है, साथ ही साथ दो अंडे हैं। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी मटकी उतारते हैं, दो अंडों की कैंडलिंग भी कर लेते हैं और वो जो बच्चा मरा हुआ है उसको हम लोग बाहर फेंकते हैं। तो इसकी मैं सबसे पहले मटकी उतार लूँ, तो दोस्तों मटकी मैंने उतार ली है और अब सबसे पहले इसका जो वो एक बच्चा मरा है वो निकाल लेते हैं बाहर। तो अब ये अंडे मेरा तो मुझे लग रहा है कि ख़राब हो चुके हैं अंडे, देखते हैं, ये भी ख़राब है ये भी ख़राब, दोनों अंडे ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। और ये तीसरा अंडा जो ये वाला इसने बाहर फेंका था, मीन्स के इसकी जो जो फर्स्ट ब्रीड गई है वो सारी ख़राब हो गई है, जो ठंड थी उसकी वजह से दोस्तों थोड़े अंडे ख़राब हुए हैं। तो इसको मैं वापस लगा दूंगा, उसके बाद आप लोग आएँ जी इस साइड की तरफ, हमारे ये सारी फीमेल्स ही हैं दोस्तों, एक इसके अंदर मेल बैठा हुआ है वो पीछे की तरफ, उसका ना फ्लाई का इशू है लेकिन यह है कि ब्रीड कट जाता है वो अभी, तो अभी हमारे पास जगह कोई नहीं इन फीमेल्स को निकालने की, इसकी वजह से हम लोगों ने इनको इकट्ठा डाल दिया। और ये इसकी फ़ीमेल थी ग्रीन कलर की, वो ग्रीन कलर की फ़ीमेल दोस्तों एक्सपायर होगी, इसके साथ अभी ब्लू फीमेल लगाई है और अभी इन्होंने ब्रीड वगैरह कुछ नहीं की क्योंकि ये दोनों बाहर ही बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन के दोस्तों बस यही हमारे पास चल रही है प्रोग्रेस, मेरा खुद भी दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियन से क्या कहते हैं कि थोड़ा सा शौक सा ख़त्म हो गया हुआ। और ये वैसे ही दो चार पेयर रखे हुए हैं, बाकी जितने भी हमारे पेयर थे काफ़ी अच्छे पेयर थे दोस्तों, आपको तो पता कितनी कितनी ब्रीड आती थी, तो वो सारे पेयर मैंने एक अपने सब्सक्राइबर को सेल कर दिए थे।
तो ये जो पेयर हैं दोस्तों, इनकी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको पता है मैं लास्ट टाइम जो है वो सॉफ्ट फूड वगैरह भी ये चीज़ें चूज़ें भी डालता था उनको, और विटामिन ई कैप्सूल्स डालते थे हम लोग, एग फूड डालते थे डेली बेसिस के ऊपर, उसकी वजह से दोस्तों ब्रीड अच्छी आती थी। इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ दाने के ऊपर पल रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी अच्छी प्रोग्रेस नहीं आ रही। और बाकी ये है कि दोस्तों ये भी मेरा मूड है कि ये भी सेल कर दिया जाए अब। और नेक्स्ट आप लोग इस तरफ आ जाए हमारी फिंचेस की तरफ। तो इन्होंने दोस्तों पता नहीं ब्रीड की है या नहीं की, तो ये इनका ये इनकी मटकी गिर गई अभी तक तो कुछ भी नहीं है इस मटकी के अंदर। और ये दोनों बैठे हुए हैं, ये क्रिस का मेल है और वाइट की फीमेल है, तो इसको देखते हैं ये फिर क्या करती है। अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं इसने किया। तो दोस्तों अब बारी है जी कॉकटेल की। कॉकटेल के हम लोगों ने बॉक्सेस लगाने हैं, तो सबसे पहले बॉक्स आ गया इनका। तो ये बॉक्स इनका दोस्तों जो साइज़ होता है ना इसके बॉक्स का, वो ये आप लोग देख लें, ये इतना साइज़ होता है। ये इधर से मेरा ख्याल है कि ये 1 फीट होता है, यहाँ से तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 7 से 8 फीट इंचज़ होगा, इधर से भी इतना ही है। तो इसकी जो डेप्थ है वो भी इतनी है, 7 से 8 इंचज़, इतना जो है वो बेहतरीन होता है इसके लिए। तो मैंने ये इसकी वायर लगाई हुई थी यहाँ पे, वो मैं वायर खोलता हूँ सबसे पहले। तो ये खुल गई थी इसकी वायर, तो ये आ गया नीचे यहाँ से। ये एक फ़ायदा दोस्तों ये कि जिसका कि यहाँ पे आपने इसको हैंग किया और बस। मेरी तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मुर्गियाँ यहाँ पे ऊपर नीचे चढ़ जाती हैं, फिर वो इधर से इधर जब आती हैं ना तो अक्सर छलांग लगाती हैं, तो ये डब्बा इस तरह टेढ़ा हो जाता है इस तरह करके। तो इसलिए मैंने ये नीचे यहाँ पे वायर सी लगाई हुई है कि मैं इसको भी यहाँ से करके तो ये टाइट कर देता हूँ हमेशा। तो ये आ गया, तो ये इसको हमने किया इस तरह। तो ये दोस्तों अब पक्का काम इसका हमने कर दिया, अब ये इस तरह हिलेगा भी नहीं, बेशक मुर्गी चढ़े जो मर्जी चढ़े। तो ये तो इनका लग गया बॉक्स यहाँ पे अंदर, मैंने इसकी पराली वगैरह भी डाल दी थी आप लोग देखे, तो ये मैंने इसके अंदर नीचे डाल दिया हुआ है। ये हमारे इनो का रेड है इसका पेयर है दोस्तों। उसके बाद अब हमारा ये वाला पेयर है, इसका लास्ट टाइम वाला बॉक्स है दोस्तों ये भी। इसको मैंने साफ़ सुफ करके इसके अंदर ही मैंने पराली सी डाल दी है, ये देखें आप ये। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से इन्होंने खा लिया है डब्बा सारा, एक सुराख ये है एक इन्होंने यहाँ पे कर दिया, पता नहीं गत्ता खाते रहते हैं। तो चलें कोई नहीं, इन्हीं का डब्बा, इन्होंने जो मर्ज़ी करें इसके साथ। तो इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकालते हैं, फिर हम इसका डब्बा जो है वो पीछे की तरफ डालेंगे। ये हमारी फिंचिज आ गई बाहर की तरफ, और ये गया डब्बा उस तरफ। अब दोबारा इसको अंदर डाल देते हैं। फिंचिस चले, इसका बॉक्स दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए लगाया कि उस साइड पे, वैसे उस साइड पे भी इसकी जगह है, जिस तरह इसका एक ये बना हुआ है एक इसका ये बना हुआ है। तो पार्टीशन वाला केज होता है, अगर हम ये पार्टीशन सेंटर से निकाल दें तो 4 पेयर का ये खाना बन जाता है, लेकिन हम लोगों ने 2 ही रखे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पार्टीशन डाल के ये सेंटर में दोस्तों पार्टीशन लगी होती है ये वाली, हम इसको खींचेंगे तो ये सेंटर से केज खुल जाएगा। तो इसका बॉक्स इसलिए यहाँ पे लगाया कि उस साइड पे जगह कोई नहीं, और इसका इधर इसलिए लगा रहे हैं कि जब भी मुर्गियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो इधर से फिर बॉक्स के ऊपर चढ़ के इधर चल जाती हैं। इधर यह है कि यहाँ पे कोई इसका डर नहीं होता। तो अभी हमने इधर भी एक वायर लगाई हुई है, वो भी हम खोलते हैं जल्दी से इसकी वायर। ये खुल गया ये भी, और इसको हम लोग इसको हैंग कर दिया। इसको हम लोगों को वायर लगाने की ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया उस साइड पे मुर्गियां नहीं जाती, यहाँ पर डर होता है जो फ्रंट के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे मुर्गियां चढ़ जाती हैं आके। और बाकी दोस्तों अब जैसे ही इनकी कोई ब्रीड आती है तो मैं आपके साथ लाजमी लाजमी शेयर भी करूँगा। और जो हमारा लास्ट के ऊपर मैं कह रहा था बर्ड ऐड किया हम लोगों ने जो सरप्राइज़ है, वो हैं जी ये बैठे हुए इधर, ये खुमरे हैं दोस्तों। ये काफ़ी सारे भाई कहते थे कि ये रखें, डब भी आप लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पंजाब साइड पे इसको खुमरे ही कहते हैं। और ये वाइट कलर में है दोस्तों, और वो जो है वो ब्राउनिश कलर के अंदर है। और इनके दोस्तों मैंने नेस्टिंग मटेरियल वो वहाँ पे डाला हुआ है, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो कॉर्नर के अंदर। अभी इनकी ब्रीड वगैरह तो कोई नहीं आई, पेयर भी हल्का हल्का लगा, अभी सही पेयर लगा नहीं है इनका। ये मेल काफ़ी ज़्यादा विस्लिंग करता है जिस तरह वो डव करती हैं, तो बहुत ही दोस्तों प्यारे लगते हैं ये जब बोलते हैं। उन इनका ख़र्चा भी दोस्तों कोई इतना ख़ास नहीं है, जो ऑस्ट्रेलियंस को मैं दाना डालता हूँ उसके अंदर लास्ट के वो बाजरा बच जाता है,
जो बाजरा आता है सिर्फ बाजरा ही ये खाते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ इतनी ख़ास नहीं है। या सॉफ्ट फूड में ये चावल वगैरह खाते हैं मैंने सुना था, लेकिन मैंने अभी तक इनको डाले नहीं। ये बाजरे के परी दोस्तों काफ़ी अच्छे पाल रहे हैं, और इनका जो टाइम होता है दोस्तों, ब्रीडिंग टाइम जो सा होता है, वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं सर्दियों की नस्बत। तो अभी तो फ़िलहाल जब हमारे पास ब्रीड आएगी तब देखेंगे। और लोग कहते हैं कि तकरीबन 14 से 15 दिन में इनका जो बच्चा है वो हैच हो जाता है, और 14 से 15 दिन में ही वो नीचे अपनी जो सेल्फ हो जाता है एक किस्म का। तो अभी देखेंगे, जब कोई आएगा प्रोग्रेस आएगी तो आपके साथ लाजमी हम लोग शेयर करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और एक आप लोगों ने मुझे लाजमी ये बात बतानी है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट मेरा दिया है पर्सनली है कि ये मैं इसको सेल कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास कि मैं ये इनकी तरफ तवज्जो करूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनको बीमारी लग जाती है। और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।